फायदा चाहे 20 लाख का हो या 20 करोड़ को, मैं अफसरों को रिश्वत देकर लाइसेंस लेना नहीं चाहता। ये मेरे उसूल के खिलाफ है। आप लोग मुझे माफ कीजिए। सुनिए आहूजा साहब, भगवान को खरीदा जा सकता है मगर सूद साहब को नहीं खरीदा जा सकता। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। आइए आहूजा साहब, आइए। विशाल साहब कहाँ? वो वहाँ माल लूट करवा रहे हैं। चलो भाई चलो, जल्दी 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 चलो। रघु जी साहब, वो बेटी तैयार है? हाँ, तो इन बेटियों के साथ मिलाकर वो बेटी भी रख दो। चलो जल्दी। उल्लू के पट्टे, ये क्या क्या? हशीश हो मेरे माल में, तो इसका मतलब है दूसरे बक्सों में चरस, गांजा, अफीम और कोकीन होगी। विशाल, कब से कर रहे हो धंधा? तुम्हें किस चीज की कमी थी? जवाब दो। मेरी मेहरबानी का तुमने ये फल दिया है? सेठ जी, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बंद मुट्ठी अगर बंद ही रहे तो अच्छा है। मैं तो कहता हूं कि आज से ऊपर की कमाई में आधा हिस्सा आप भी ले लीजिए। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला आज मुझे ही टुकड़े डालना है? कमीने, निकल जाए से। दूर जा, दूर दूर। सेठ जी, एक बात याद रखिए कि मेरे बगैर अब आप ये फर्म नहीं चला सकेंगे, समझे? अरे बंद तो कर सकता हूँ। ले जाओ से, निकाल दो सके सके। मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिए, यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा सेठ जी। अरे जा। ओ यार ढूंढू, आओ बेटे, चलो अब घर चलते हैं। यहाँ तो काम खत्म हो गया। हाँ? चलो, एक और जहाज डूब गया। राजा, ये माल भी पकड़ा गया। तुम्हारी मदद से हमारा माल सूद एंड कंपनी के लेबल के साथ बगैर किसी खतरे से निकल जाता था। अब तुम ही कंपनी से निकाले गए हो तो हमारा तुम्हारा धंधा कैसे चलेगा? आप फिक्र मत कीजिए राजन सेठ, अगर एक दरवाजा बंद हो गया तो क्या मैं 10 दरवाजे खुलवा दूंगा। मगर हमारे पास इतना वक्त नहीं। आखिर हमें भी तो सिंडिकेट को जवाब देना है। हमारे पैसे वापस कर दो। और अगर वापस न किए तो? ओ, तो $7 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है विशाल सेठ, और तुमने तो 700 भी नहीं बचाए होंगे। राजन सेठ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। 24 घंटे काफी होंगे, इससे ज्यादा वक्त मैं नहीं दे सकता। विशाल जी ने कुछ गड़बड़ की है क्या? काफी गड़बड़ की है। बीबी जी, रवि पुडिंग नहीं खाता, आप ही बोलिए ना। लाई हो बबलू को और कहती हो रवि पुडिंग नहीं खाता। ये बेचारी भी क्या करे, इन जुड़वा भाइयों की शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं कि कोई भी धोखा खा सकता है। डैडी। अरे आओ मियाँ, आओ आओ आओ। भैया, मेरे साथ खेलो ना। नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। वो रहे, तुम यही ठहरो। क्या है बाबा, मुझे पानी ला दो, बहुत खेल हो चुका, अब घर चलो। बेटे, तुम रवि हो या बबलू? बबलू। तुम्हें तुम्हारे अंकल जी बुला रहे हैं। कहाँ? वो गाड़ी के पास। चलो। कहाँ है तुम्हारा भैया? जल्दी निकल चलो, वरना हंगामा हो जाएगा। बाबा, भैया। हरिया। हाँ बीबी जी, सारा पार्क ढूंढा, बाबा का कहीं पता नहीं। डैडी, मैं अंकल जी के पास हूँ, आप घबराना नहीं। सुन ली आपने अपने लाडले की आवाज? तुम विशाल हो ना? जी हाँ, आपका बेईमान खादिम। बबलू को फौरन घर पहुंचा दो, उसकी माँ बहुत परेशान है। जी हाँ, होना ही चाहिए, लेकिन मुझे उसकी माँ से नहीं, आपसे 10 लाख रुपया वसूल करना है। किडनैपिंग, इसकी सजा तुम जानते हो? जो सजा आपने मुझे दी है उससे कम है। कल फिर फोन करूंगा। जितनी जल्दी आप रुपया पहुंचा देंगे उतनी ही जल्दी आपका बच्चा पहुंच जाएगा। पुलिस को खबर मत करना। हेलो, बिना इजाजत अंदर आने की, माफी नहीं मांगने का, और आप लोग ताना देंगे कि पुलिस वाला है इसलिए धड़ से अंदर घुसाया। लेकिन लगता मैं गलत वक्त आया हूं। क्या बात है भाभी? सूज साहब, क्या बात है भाभी? सूज साहब, किस्सा क्या है? सिंह साहब, बबलू को कोई उठा कर ले गया है और उसने 10 लाख रुपए की मांग की है, और आप बेवकूफों की तरह रुपया देने के सोच रहे हैं। और भाभी खड़ी रो रही हैं और बात छुपाई जा रही है हमसे, सुपरिटेंडेंट पुलिस से, जो कि इस घर का खैर खुआ है। पागल हो गए आप। सिंह साहब, आप तो जानते हैं ऐसे केस में बच्चे की जिंदगी का सवाल है। जी हाँ, लेकिन हम रुपया देके मुजरिम को शायद नहीं देंगे। पुलिस किस काम की है? आप रुपए का इंतजाम करिए, मैं अपना काम करता हूँ। बच्चा, माल लाओ। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बबलू कहाँ है? पहले साहब को माल दे के आएगा, फिर बच्चा लेके आएगा। इसमें कोई चाल तो नहीं है। लाता हूं बच्चा। चार्ज। पुलिस। विशाल, कहाँ जा रहे हो? मेरे बच्चे कहाँ लिए जा रहे हो? विशाल, मेरे बबलू कहाँ लिए जा रहे हो? विशाल, विशाल, तू मेरी जान ले ले, मेरे बच्चे को छोड़ दे। विशाल, विशाल, तुझे जितने रुपए की जरूरत है मुझसे ले ले। विशाल, बबलू, 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बबलू, बबलू, मेरा बबलू। सूद साहब, सिंह साहब, सूद साहब, सिंह साहब मेरे बच्चे को ले गए, वो बबलू को ले गए, वो ले गए। क्या बात है गुरु। उस्ताद उस्ताद उस्ताद, क्या आप सेहरा तो बनवा रहे हो, लेकिन आपका दोस्त जेल से भाग निकला है। जोनी, अरे तुम्हें क्या हुआ? डर गए? उठाओ उठाओ। अगर वो यहाँ आया, मेरी बरात का साथ साथ उस साले का जनाजा निकलेगा। पंडित जी, लगन चालू करो, लगन चालू करो। हरगिज नहीं, तुम मेरी होने वाली बीवी के साथ शादी नहीं कर सकते हो। नहीं, संजू, मेरी प्यारा संजू। नहीं, तेरा प्यारा संजू वो नहीं, जाने मन मैं। ए, बैठ जाओ। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मेरी बेटी के साथ अत्याचार नहीं हो सकता। चलो मंत्र शुरू करो। करो पिंगला, पकड़ से पकड़ो। हे भगवान, बचाओ लो फंदे से। मार दो इसको, इसका सत्यानाश जाए भगवान। किसी को भेज दो। क्यों स्वामी, जॉनी के आशीर्वाद के बिना ही शादी कर रहे हो? हा? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो रुपया जो मुझे जेल भिजवा कर तुमने पुलिस से वसूल किया है, शराफत से मेरी जेब में डाल दो। बॉयस, जॉनी की जेब भर दो। मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। अरे शुरू करो। हाय हाय, तुम क्या गजब किया मेरी जान। सारे कमाई तूने मर्दुए को दे दी। हाय हाय, तुमको मालूम है सब जगह तो हमारे जैसे ही है। हाय हाय, देखो एक ही तो मर्द है। अरे वो टकलू को कैसा मार रहा है। अरे टकलू, तेरा सतना जाए, तेरा मुर्दा निकले रे। चलो उठो, माल निकालो। हाँ, ऐसे नहीं, मैंने कहा था ना जेब में डालो। एक इस जेब में, हाँ, और एक इस जेब में। अब मैं जाऊं? नहीं नहीं नहीं, एक काम तुम्हें और करना है। हाँ, आप लोग इधर आओ, आओ आओ, डरो मत। हाँ, अब इस कन्या का कन्यादान भी तुम करोगे। कल्याण मैं? अच्छा बाबा। पंडित जी शुरू हो जाओ। शुभ मुहूर्तम, शुभ लग्नम, क्षेमम कल्याणम, आरोग्यम दीर्घायु, शुभम भवतु। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान। मम्मी, आज मैं देर से घर आऊंगी। आज मैं देर से घर आऊंगी। मैं अपनी सहेली के साथ हूँ। मैं अपनी सहेली के साथ हूँ। उसका नाम मम्मी प्रीत है। मम्मी, अरे मेरे बचपन की सहेली, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं ना। अभी वो बहुत खूबसूरत है, लंबी चौड़ी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, कसा हुआ बदन है, घुंघराले बाल हैं। आउच! अच्छा मम्मी, आप मेरी फिक्र नहीं कीजिएगा, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। बाय बाय। डार्लिंग, डार्लिंग, मैं तुम्हें इतना चाहने लगी हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम मेरी जिंदगी में पहले आदमी हो, और तुम भी मेरी जिंदगी में पहली लड़की हो। फ्लाइट तो आ चुकी होगी, लेकिन जानी अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? डैडी, आप एक बहुत खतरनाक ड्रामा खेल रहे हैं। क्या जॉनी इस कैरेक्टर को निभा सकेगा? बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूं, जाहिर है कि मेरा तजुर्बा तुमसे बहुत ज्यादा होगा। जाओ, जॉनी के स्वागत का इंतजाम करो। राइट हो। जो कुछ जेब में है सब टेबल पे निकाल के रख दो। जानी अंकल पहचान लिया। वंडरफुल जानी। 6 महीने का अरसा कुछ ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हें देखे हुए 6 साल हो गए। अंकल जेल से फरार हुए तो मुझे हफ्ता भर हो गया, लेकिन एक दोस्त की शादी थी इसलिए रुक जाना पड़ा, और फिर मुझे आपके सामने खाली हाथ आना नहीं अच्छा लगता, इसलिए ये लीजिए आपका नजराना। वाह वाह बेटे, अब तुम्हें भेष बदलकर ये छोटे मोटे काम करने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था वो दिन अब आ गया। एक शानदार जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही। सच? वर्मा साहब, आज की पार्टी का तो मजा आ गया। आइए। लेकिन आप बहुत दिनों बाद मिले। प्लीज कम आइए। अब की आप यूरोप में काफी असर है। जी हाँ, कुछ काम बढ़ गया था। अरे भाई उनसे तो मिलवाओ जिनके काफी चर्चे हैं। कौन? रमा? रमा, ये चौधरी साहब हैं, ये रमा है मेरी मंगेतर। नमस्ते। हेलो कमिश्नर साहब। वैसे गाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त नखरे कर रही है। नहीं। अरे आप आइए आइए। क्यों चौंक गए? जी हाँ, आपको तो मुजरिमों को चौंकाने की आदत पड़ गई है, हम शरीफ आदमियों को तो बख्श दीजिए। एक शर्त पर। क्या? आज की पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत चेहरा है, उससे मिलवाओ। अच्छा। एक तो मिस चांदी वाला है। इससे तो मैं 30 साल पहले मिल चुका हूँ। व्हाट? भाई सिंह साहब अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल पुलिस वाले मालूम नहीं होते। अरे भाई वैसे ही बहुत से चोर और डाकू अपनी पर्सनल लाइफ में चोर और डाकू नहीं मालूम होते। क्यों भाई, इनसे मिलवाओ। आप मिले नहीं? ये रमा है मेरी। बस आगे कहने की जरूरत नहीं है, बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हाउ डू डू? फाइन। सिंह साहब सुनिए, गाती बहुत खूबसूरत है। जी हाँ जी हाँ। देखो भाई, सुनी सुनाई बातें तुम तो मान सकते हो, मैं गवाहों को नहीं मानता, सबूत को मानता हूँ। अब तो तुम्हें गाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं। देखो नहीं गाओगी तो बंद कर देंगे। चलो गाओ, चलो। ओह रमा, डोंट फील शाय, कम ऑन, आई जॉइन यू, कम ऑन। चलो आइए। बरपुरदार इसे कहते हैं सॉमन सिचुएशन। एक चेहरा दिल के करीब आता है, ख्यालों को दूर दूर ले जाता है। एक चेहरा दिल के करीब आता है, ख्यालों को दूर दूर careful. वही शक्ल सूरत, वही बिल्ट, वही हाइट, ये दूसरा रवि कहाँ से ढूंढ लाए? लखनऊ की सेंट्रल जेल से। ऐसा बांका नौजवान तो लखनऊ से ही हो सकता है। काम की बात करो, शक्ल मिलने से कुछ नहीं होता। जब तक मैं हर तरह से रवि ना बन जाऊं, ये चक्कर नहीं चल सकता। तुम्हें परफेक्ट रवि बनाना मेरा काम है। तुम मेरी ट्रेनिंग से ऐसे रवि बनोगे कि सारी दुनिया धोखा खा जाएगी। उसकी माँ भी? हाँ, उसकी माँ भी। अब ये बताओ अंकल, इस प्लान से हमारे हाथ माल कितना लगेगा? बड़ी समझदारी की बात की है बेटे। लाखों, करोड़ों, हर वो चीज हमारी होगी जिसका रवि मालिक है। ओम श्री गणेशाय नमः। जी बेटा, ये नई मिल खरीदने पर मेरी तरफ से शुभकामनाएं। शुक्रिया पंडित जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हम सब मजदूरों की तरफ से नए मालिक को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस फैक्ट्री में क्या करते हैं? जी मैं यहाँ का फोरमैन हूँ और मुझे रहमान चाचा कहते हैं। हाँ, पंडित जी ने मुझे आप लोगों की तकलीफों के बारे में बताया। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने ये मिल सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं ली, बल्कि इस मिल से आप सबके तमाम दुख भी दूर किए जाएंगे। खुदा आपके सलामत रखे साहब। आज मैं 7वीं यात्रा पर जा रही हूँ। तुम्हारी दी हुई 2 निशानों में से रवि तो तुम्हारा नाम चला रहा है, मगर बबलू की खोज में मेरा सारा जीवन एक यात्रा बन गया है। हाँ, सदाशिव सामान रख दिया? गाड़ी में रख दिया सरकार। रवि बेटे, अपनी सेहत का ख्याल रखना। माँ, मैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा, लेकिन तू अपना ध्यान रखना। खाना पीना वक्त पे खाना और जल्दी से वापस आ जाना। चल, मैं तुझे छोड़ाता हूँ। नमस्ते। क्या हो गया? कुछ नहीं साहब, आपके लिए अभी ना हो क्या? बाद में। क्या नहीं, क्या है? बाद में। एक बाद में। यूरोप के दौरे पे मुझे मालूम हुआ कि हमारी चीजों की मांग अपने देश के बाहर काफी बढ़ गई। हमारी हुकूमत भी यही चाहती है, लेकिन हमें अपने माल को अच्छे से अच्छा बनाना है। दूसरे देशों के मुकाबले में हम किसी तरह भी पीछे नहीं रहेंगे। मामी, ये मेरे ताज वाली मीटिंग स्पीच है, कल इसे प्रेस में भेज देना। ओके। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? यूं ही जरा सर में दर्द है। कोई बात नहीं। नहीं, जाओ तुम घर जाओ, जाओ। थैंक यू। जरा पंडित जी को भेज देना। आप पंडित जी आइए, कल ऑडिटर्स आने वाले हैं। अकाउंट सब ठीक है ना? हमारी फर्म के अकाउंट्स हमेशा ठीक ही रहते हैं। होने भी चाहिए। इसी रेपुटेशन की वजह से हमारा माल कस्टम से भी बिना चेकिंग के निकल जाता है। ये चेक साइन कर दो, मुझे बैंक जाना है। लीजिए। क्या बात है बजरंग? नहीं, फिर आऊंगा। नहीं, क्या बात है, अभी बताओ। पंडित जी। बेटा, इसे 5,000 रुपए चाहिए। 5,500। किस लिए? इसे शादी करनी है। कल से मेरा दिमाग खा रहा है कि मैं तुमसे बात करूं। तो फिर आपने बात नहीं की? अब बात कर लो ना। कब है शादी? सब अब लड़की मिलते ही। क्या? लड़की मिलते ही शादी। अच्छा ठीक है, तुम लड़की ढूंढ लो, फिर तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। तो ढूंढो, पक्का है ना? हाँ पक्का पक्का। सलाम साहब। सलाम। अरे कम बन गया, जल्दी से लड़की बता। रुपए ला। अरे 5,500। 5,500। वेरी गुड। गोल्डन हेयर, सुनहरी बाल, ब्लू आईज, नीली आंखों वाली। जल्दी से रुपए निकाल, बाबा से पूरी जैकपॉट की लिस्ट है। अरे ये जैकपॉट के लिए नहीं, ये रुपए शादी के लिए है। अरे पागल, 5,500 में तो आजकल कुत्ते बिल्ली की शादी होती है। तो फिर? अरे मैं तेरी शादी पे पूरा 1,00,000 रुपया खर्च करूंगा। हाँ। अरे बैंड बाजे बजवाऊंगा, सारे शहर को दावत दूंगा। धूम से तेरी बारात निकलेगी और तू घोड़े पे बैठेगा। घोड़े पे। सच? हाँ, जल्दी से पैसे निकाल निकाल निकाल। भाई रुपया किस लिए? अरे तेरी शादी के लिए। वो रुपया मैं घोड़े पे लगाऊंगा। अच्छा घोड़े पे लगाऊंगा? उससे लाखों रुपए कमाऊंगा। लाखों रुपए कमाऊंगा और उसमें से 1 लाख रुपया मैं तेरी शादी पे खर्च कर दूंगा। निकाल जल्दी से निकाल। शेर सिंह वचन से काम नहीं चलेगा। वचन से? हाँ, आज हमारे साहब ने वचन दिया है, रुपया बाद में मिलेगा। बाद में कब? अरे भाई लड़की मिलने के बाद। बजरंग हाँ अब तेरी शादी नहीं, बाजे भी नहीं बजे, तेरी बारात भी नहीं निकलेगी। अरे भाई क्यों ऐसी मनहूस बातें करता है? पैसे नहीं लाएगा तो ऐसी मनहूस बातें ही तो सुनेगा। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से बस का लगा लगा के बाबा से घोड़े के नंबर लिए थे। अरे भाई घोड़ों की बात छोड़, लड़की की बात कर। लड़की की? हाँ लड़की की। एक काम कर, हाँ लड़की मिलने के बाद पैसे मिलेंगे ना? जरूर। तो पैसे निकाल। फिर क्या पैसा? लड़की को ढूंढने के लिए मुफ्त में लड़की मिलती है क्या? वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन इस तरह तू मुझसे कितना पैसा लिया? ठीक है जाने दे। बोल कितने पैसे चाहिए? कितने? बस का किराया, एंट्री फीस, घोड़े की। फिर घोड़े को लाया? अरे वो क्या है कि रात पर सपना देखता रहता हूँ घोड़े का, तो घोड़ा मुंह से निकल गया। तो काम कर, 30 रुपए निकाल, बाकी मेरी किस्मत है। दूसरे देशों के मुकाबले में हम किसी तरह भी पीछे नहीं रहेंगे। थैंक यू। चलिए मुझे उसकी हर चीज की कॉपी करनी है, उसकी आवाज, उसकी चाल ढाल, उसका उठना बैठना और उसके सिग्नेचर्स। जॉनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रेजेंट्स लाई। ये रवि के जूते और ये रवि का सूट, लो पहन लो। सब फिट है। बोलो कैसा लगता हूँ? लवली लवली, कितने हैंडसम लगते हो इस सूट में। यानी कि वो भी हैंडसम लगता होगा। उसे मारो गोली। अभी टाइम है। चेकबुक लाई हो? हाँ हाँ। रवि सूद। सिर्फ 2000 निकालते हैं। लेट अस ट्राई। गोलू चेक को कैश करो। ओके गुरु। ये एंट्रीज भी ठीक है सिटी साहब, और ये भी बिल्कुल ठीक है। करेक्ट। कहाँ चल रही है सेठी साहब? भाई आप ही के कंपनी का चेक है, जरा दस्तखत चेक कर लो। अरे भाई देखना क्या है, ये रवि की सिग्नेचर्स हैं। मगर ये चेक मैंने तो पास नहीं किया। सुनिए साहब। जी क्या नाम है आपका? हरि कृष्ण सावरवाल। ये चेक आपको किसने दिया? रवि साहब ने। क्यों? कुछ नहीं कुछ नहीं, कैश कर दो भाई। चेक कैश हो गया। इसका मतलब यह है कि अब हर चीज कैश हो जाएगी। आज 2000, कल 2 लाख और परसों। देर करने से कोई फायदा नहीं। रवि का आज ही फैसला कर दो। वो आज रात की गाड़ी से जा रहा है और मैं उसी के कंपार्टमेंट का ये दूसरा टिकट लाई हूँ। वंडरफुल। ये रवि की मौत का टिकट है। गुल्लू। यस डैडी। तुम्हारा स्पेशल आदमी रेडी? एवर रेडी पॉप। काम कंपार्टमेंट में ही तमाम हो जाना चाहिए। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकने से पहले रवि की लाश बॉक्स में होनी चाहिए और हमारे आदमी उस बॉक्स की डिलीवरी लेंगे और उसे हमेशा के लिए जमीन में दफन कर देंगे। रवि की जगह जॉनी लेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो लोग जो रवि के स्वागत के लिए आए उन्हें कोई मायूसी हो। एक्सक्यूज मी। सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? खिड़कियां को बंद कर रहे हैं, जरा आने दीजिए हवा। लीजिए हवा। लेकिन आप बड़े अजीब किस्म के आदमी हैं। इस छोटे से कंपार्टमेंट में घुटन हो जाएगी। मिस्टर, मैं जैसे चाहूंगा वैसे सफर करूंगा। मैं फर्स्ट क्लास पैसेंजर हूं। जी हाँ, आप आदमी भी एकदम फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अगले स्टेशन पर हम दोनों में से किसी एक को कंपार्टमेंट बदलना ही पड़ेगा। अगले स्टेशन पर तो दुनिया ही बदल जाएगी। ओह, मैं समझ गया। देखो मिस्टर, इस ब्रीफकेस में मेरे कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं। ये घड़ी है और इस पर्स में रुपए हैं। इन तीनों चीजों की मुझे जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर जबरदस्ती ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। बेटे, तुम्हारा वो स्पेशल आदमी तो सर्कस का जोकर निकला। डैडी, वो बड़ी शर्म की बात है बेटे। गलती हो गई डैडी। अब जरा सोचो तो, अगर वो आदमी पुलिस के हाथ लग जाता और रवि को सारा राज मालूम हो जाता तो? अंकल, रवि से ज्यादा एक और खतरे की बात पैदा हो गई है, जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। उसकी मंगेतर रमा। रमा? एक मामूली लड़की से हमारे इतने बड़े प्लान को क्या खतरा हो सकता है? अंकल, रवि के कारोबार और रवि की घरेलू जिंदगी के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। रवि और रमा के बीच कुछ पर्सनल बातें होंगी, कुछ राज होंगे, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। फिर? इसलिए सबसे पहले हमें रमा को अपने रास्ते से हटाना होगा। मम्मी, रवि साहब कहाँ हैं? रवि साहब? वो तो चले गए। कहाँ? उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे टाइम दिया था। टाइम तो उन्होंने किसी और को भी दिया था। किसे टाइम दिया था? तुम जानकर क्या करोगी? मम्मी, मैं रवि की मंगेतर हूँ। बताओ मुझे किसे टाइम दिया था? एक लड़की के साथ अपॉइंटमेंट है, 3 बजे, होटल सन एंड सैंड। बस। किस बारे में अपॉइंटमेंट है? देखो रमा, मैं रवि साहब की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारी नहीं। जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया, उसी का मुझे अफसोस है। मगर मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं है। इसका भी मुझे अफसोस है। औरत हो ना, थोड़ा सा तरस आ गया था तुम पर, वरना हमारे साहब के लिए तो ये रोज की बातें हैं। तो वो रोज लड़कियों से मिलते हैं? तुमसे भी तो मिलते हैं। मम्मी। डार्लिंग, ये सब रईसों की तफरीहें हैं। जाने दो, बुरा मानकर तुम भी क्या कर लोगी? कोक पियोगी? थैंक यू मम्मी। रवि, वो तेजपाल में पपेट शो है ना? 3 बजे का शो है, तो मुझे 2:30 बजे पिकअप कर लेना। नहीं सॉरी रमा, आज मेरी मीटिंग है। रवि, बात यह है कि मुझसे किसी ने कहा है कि ओहो मैं झूठ बोल रहा हूँ। बस मेरी बात तो सुनो। रमा आई एम वेरी बिजी प्लीज। Come, darling. Okay, okay, sorry, sorry. Ravi! तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी आज मीटिंग थी ना? यही मीटिंग थी। रमा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हारा तमाशा देखने आई। ये देखने आई हूँ कि मुझे यहाँ अचानक पाकर तुम्हारा चेहरा कितने रंग बदलता है। तुम यहाँ से चली जाओ रमा। मैं फिर किसी वक्त तुमसे बात करूँगा। अपनी दोस्त से नहीं मिलवाओगे? मुझे अपनी मंगेतर कहते हुए डर लगता है। ऐसी नंगी और बेशरम औरतों के साथ मिलते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? रमा तुम बदतमीज, ये मेरी फॉरेन क्लाइंट है। थैंक यू रवि। बड़ा भरपूर वार किया है, लेकिन बेचारी को इतने जोर से नहीं मारना चाहिए था चोनी। हाँ। रमा क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। किसी से झगड़ा हुआ क्या? क्यों हुआ झगड़ा या नहीं बताओगी? क्या करोगी जानकर? उसके पास जाऊंगा, उसको कहूंगा कि मेरी बहन पर तरस खाओ, उससे शादी कर लो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। इतना गिड़गड़ाने की क्या जरूरत है? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता? मैं उससे नफरत करती हूँ। तो फिर कसूर तुम्हारा हुआ? तुम नहीं जानते भैया उसने मुझे कैसा धोखा दिया है, मुझे कितना कितना जलील किया है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? पता नहीं कहाँ, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। यहाँ रहूंगी तो दिमाग फट जाएगा। तो तुम किसी सहेली के पास चली जाओ, पूनम के पास चली जाओ शिमला। पहाड़ों की सर्द हवाओं में तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। मिस गिले से रमा का नंबर ट्राई करना। ओके। घंटी बज रही है लेकिन कोई उठाता नहीं है सर। कोई उठाता नहीं है? अच्छा ठीक है। आप कहते हैं आपसे बात भी नहीं हुई, झगड़ा भी नहीं हुआ, फिर वो किसके बारे में बात कर रही थी? तुम झगड़े की बात कर रहे हो, मेरी उसके साथ मुलाकात तक नहीं हुई। आखिर वो क्या कह रही थी ये तो बताओ। कह रही थी मुझे धोखा दिया है, मुझे जलील किया है। क्या? व्हाट नॉनसेंस। हाँ, थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी गुस्सा आ गया था। किसने धोखा दिया है, किसको जलील किया है? डैमिट। शिमला चली गई, ना जाने मुझे कौन सी फ्लाइट मिलेगी। पामी मुझे फौरन शिमला जाना है, पहली फ्लाइट में मेरी सीट बुक कर दो। ये अचानक क्या बात हुई? वो रमा है ना, पागल लड़की है, ना जाने क्या बात हो गई, बिगड़ कर शिमला चली गई। मगर बेटा आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स आने वाले हैं प्लान पास करने। सब कैंसिल कर दीजिए पंडित जी, मेरा शिमला जाना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक 5000 रुपए दीजिए। निशाना चूक गया, तुम रवि को यहाँ ठिकाने लगाना चाहते थे और वो गया उस लड़की के पीछे शिमला। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, हमारा काम और भी आसान हो गया। वो कैसे? यहां उसकी लाश ठिकाने लगानी पड़ती और वहां शिमला में पहाड़ों के दामन में उसे चील और गिद्ध खा जाएंगे, उनका भी भला हो जाएगा। कुछ अरसे बाद पुलिस को अगर उसकी लाश मिली भी तो? रवि और जानी हमशक्ल हैं। अगर रवि यहां है तो मरने वाला पुलिस उसे जानी समझकर अपनी फाइल बंद कर देगी। किस्सा खत्म। गुल्लू। जी हाँ बेटे, यहां गर्मी बहुत है, शिमला चलें। शाम साहब सलाम। ये पूनम जी का बंगला है? जी नहीं, ये तो सेठ मानिक चंद जी का बंगला है। और बोलिए। कमाल है, पता तो यहीं का दिया था। क्या आप बता सकते हैं पूनम जी का बंगला कौन सा है? पूनम जी का कोई बंगला बुला नहीं है, वो तो किराए के मकान में रहती है। और बोलिए। कहाँ रहती है? यहीं। आप अजीब आदमी हैं, अभी अभी आपने कहा कि ये पूनम जी का बंगला नहीं है। वो तो मैं अब भी बोल रहा हूँ, बंगला है सेठ मानिक चंद जी का और रहती है पूनम जी। और बोलिए। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा आप शॉर्टकट में ये बताओ कि बम्बई से पूनम जी की एक सहेली आई है? जी हाँ। वो यहीं ठहरी है? जी हाँ। इस वक्त वो अंदर है? जी नहीं। तो फिर कहाँ है? वो जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, बस वहीं गई है। बहुत ही खतरनाक जगह है, कई लड़कों ने वहां से छलांगे लगाई है। और बोलिए। जरूर तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। जी हाँ। क्या कहा आपने? और बोलिए। तू जहाँ मैं वहाँ, तेरे पास आ गया हूँ। तू जहाँ मैं वहाँ, तेरे पास आ गया हूँ। तू जहाँ मैं वहाँ, तेरे पास आ गया हूँ। तेरे दिल पे छा गया हूँ, तेरे पास आ गया हूँ। तू जहाँ मैं वहाँ, तेरे पास आ गया हूँ। तू भागे जो आगे आगे, तो मैं भी हूँ पीछे पीछे। तू भागे जो आगे आगे, तो मैं भी हूँ पीछे पीछे। छोड़ूंगा मैं ना पीछा, नीले गगन के नीचे। तू जहाँ मैं वहाँ, तेरे पास आ गया हूँ। तूने किया था वादा, दुल्हन बनूंगी तेरी। अरे तूने किया था वादा, दुल्हन बनूंगी तेरी। आए हजारों तूफान, लेकिन रहूंगी तेरी। तू जहाँ मैं वहाँ, तेरे पास आ गया हूँ। ये प्यार का है फसाना, कहता रहूंगा तुमसे। अरे ये प्यार का है फसाना, कहता रहूंगा तुमसे। चाहे कोई जन्म हो, मिलता रहूंगा तुमसे। रमा, रमा, रमा दरवाजा खोलो प्लीज। रमा प्लीज दरवाजा खोलो। ये दरवाजा अब तुम पर हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन क्यों? क्या किया मैंने? तुमने कुछ नहीं किया, गलती मेरी थी जिसने तुम जैसे आदमी पर भरोसा किया, एक शैतान को देवता समझा। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। रमा ये तुम क्या बकरी हो, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई थी मगर अब नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से। रमा तुम्हारे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। ये क्या कर रहे हो रमा, पिस्तौल क्यों निकाल लिया, ये लोडेड है। रमा, रमा, रमा दरवाजा खोलो रमा। मेरे हाथ में पिस्टल है रवि, अगर तुम नहीं गए यहाँ से तो मैं अपनी जान दे दूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं सब समझ गया रमा, तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा? अच्छा एक्सक्यूज मी, चंडीगढ़ दिल्ली फ्लाइट कितने बजे की है? एक फ्लाइट है 4 बजे की। 4 बजे? ओहो बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी है। टैक्सी में तो कम से कम 4 घंटे लगते हैं ना? जी फिर ठीक है, मैं आपको 3 घंटे में पहुंचा देता हूं। मुझे भी चंडीगढ़ की फ्लाइट पकड़नी है, आप चाहें तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मच अप्लाइड। कितने पैसे हुए? 175। आप जब तक अपना सामान गाड़ी में रखवाइए, मैं एक फोन कर लेता हूँ। ओके चेंज वेटर को दे दीजिए, सामान ले वेटर। हम लोग शायद गलत रास्ते पे आ गए, चंडीगढ़ का रास्ता तो वो था। ये शॉर्टकट है। Oh. इस रफ्तार से तो हम 3 नहीं 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तुम्हें जल्दी पहुंचाना है ना, आहिस्ते चलो। नहीं नहीं इट्स ऑल राइट। मूड में नहीं है। हाँ। नई जगह के लिए मेरी शुभकामनाएं। सब ठीक है? सब ठीक है। कहो बेटा रवि, ट्रिप कैसी रही? अच्छी रही। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। बेटा तुम्हें कुछ रिपोर्ट्स दिखानी थी। हेलो कौन? लुथरा? भाई मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रखा है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अरे भाई तुम्हारे शिमला जाने से पहले ही तो बात हुई थी, कहो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ले आऊं। नहीं नहीं एक मिनट जरा बात कीजिए, यहाँ आप बात कीजिए। हेलो लुथरा साहब जी, मैं त्यागी बोल रहा हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट देखिए रवि साहब अभी अभी बाहर से लौटे हैं, आप ऐसा कीजिए ना कल वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप किसी भी वक्त ऑफिस में आकर मुझसे मिलिए। ओके ये हैं वो रिपोर्ट्स। ठीक है आप जाइए। जी जाइए अपना काम कीजिए। जी अच्छा सलाम साहब। क्या बात है हा? तुम अंदर किस लिए आए? मैंने घंटी तो नहीं बजाई। नहीं वो लड़की मिल गई। कौन सी लड़की? वो शादी वाली लड़की। शादी वाली? हाँ लेकिन वो अभी तक कुमारी है। तो मैं क्या करूं? रुपए दीजिए। कैसे रुपए? साहब मुझे अच्छी तरह मालूम है आप जुबान दे के पलटने वाले वैसे नहीं है। 5.5 का वादा किया था, 6.5 का खर्चा है लेकिन चलेगा, जल्दी दीजिए नहीं तो लड़की भी हाथ से निकल जाएगी। ये रुपए क्या तुम्हारे बाप के है? नहीं तो फिर गेट आउट। ये आपके बाप का है। इडियट। तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही उखड़ा हुआ है। उस बेवकूफ की बातें सुनी तुमने? जॉनी, इस वक्त तुम रवि हो। You're right. कोई बात नहीं, लोग समझेंगे कि रमा की वजह से तुम्हारा मूड खराब है। You're again right. फिर भी चेक करना। क्या हुआ? क्या हुआ? तुमको क्या करना? काम करो चल। ये लो, आपको दिलाओ। नहीं, बात तुम अपने बात। आपको दिलाओ, आपको दिलाओ। ये बात काम करो, फायदा नहीं। अरे क्या कर रहे हैं? कभी इधर, कभी उधर, बैठो ना अपनी जगह पे। मजाक बोले रवि, मैं जरा बैंक हुआ। जरा ठहरिए। ये 1 लाख रुपए का चेक है, इसे कैश करा के मेरे घर पे ले आइए। इतना सारा रुपया और कैश? क्यों? मैं कह रहा था किसी को देना है तो चेक दे देते। देखिए, मुझे आपके सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है रवि। मेरी आज कुछ तबीयत खराब है। पामी, मैं घर चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये पैसे आप घर ले आइए। ओके। बजरंग, ए बजरंग, अरे कुछ बता तो सही, क्या हुआ? शेर सिंह। हाँ शेर सिंह। अरे हाँ बोल। तूने कभी 2 मुंह का सांप देखा? 2 मुंह का सांप कहाँ है? मेरे ऑफिस में। किसी को काटा तो नहीं? मुझे काटा है। अरे अच्छा भला तो है, मुझे काटा है। अरे वो भी तो अच्छा भला ही है, मोटर में आता है, सूट बूट पहनता है। बजरंगी, हाँ तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी ठीक है, मेरे बॉस का ठीक नहीं है। उसका 2 मुंह है। बॉस का 2 मुंह है? 2 मुंह है। एक मुंह से उसने 5,500 देने का वचन दिया था और एक मुंह से बोला गेट आउट, गेट आउट। इसका मतलब है पैसे नहीं मिलेंगे? हाँ। अरे तू हाँ बोल रहा है कि ना? नहीं। सर जी, ये पैसे वाले कितने निर्दय होते हैं। मेरे सारे अरमानों में पानी फेर दिया, सारे सपने अधूरे रह गए। अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? लड़की वालों को क्या मुँह दिखाऊंगा? यही दिखाना। अरे बजरंगी, तेरे नहीं मेरे अरमानों में पानी फेर दिया, मेरे सपने अधूरे रह गए। मतलब तू भी मेरे ही पैसों से शादी करने वाला था? अरे नहीं यार, जिस लड़की से तेरी शादी की बात चल रही थी, हाँ, उसका बाप एक बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। अच्छा? हाँ, उसने जिसको भी नंबर दिया उसका घोड़ा कभी पीछे नहीं हटा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा होने वाला ससुर घोड़े का नंबर बताता है? अब क्या नंबर देगा, क्या शादी है, क्या घोड़ा है? क्यों बजरंगी, तू तो बजरंगी रहेगा लेकिन मैं। आप बोलिए क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नमस्ते सरकार। नमस्ते। ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? जैकी, सरकार को बहुत दिनों के बाद देखा है ना, आप नहीं थे तो खाना पीना छोड़ दिया था। खोल दो इसे। नहीं नहीं, गाड़ी में से सामान लेके आओ। और सुनो, ये तुम्हारे गौशाला के कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी। ये रुपए लो और बाजार से जाके अच्छे कपड़े खरीद के लाओ। और ये तुम्हारा चश्मा भी काफी पुराना हो गया, दूसरा खरीद लेना। ये लो, पूरा 1 लाख रुपया है। गिन लो। पंडित जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? गिनने की क्या जरूरत है? आप हमारे पिता के वक्त के मैनेजर हैं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और फिर मैंने आपको हमेशा पिता समान माना है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। रवि, आज तुम्हें पिताजी की बहुत याद आ रही है। सूद साहब, आपका वफादार नौकर आपके लिए वीकली रिपोर्ट लेकर हाजिर हुआ है। तो मुझे कब तक इस जेल में बंद रखोगे विशाल? मुझे मार क्यों नहीं देते? छी 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 छी, आप भी कैसी बातें करते हैं? मैं कोई कातिल हूँ? और फिर आपको जिंदा रखना तो मेरे लिए बहुत जरूरी है हुजूर। इससे तुम्हें क्या मिलता है? मेरा इंतकाम पूरा होता है। आपको तड़पता हुआ देखकर मुझे अपना तड़पना याद आता है। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि ये सौदा आपको महंगा पड़ेगा। देखिए ना किस सफाई से मैंने सारी दुनिया को आपकी मौत का यकीन दिला दिया। आप जिंदा हैं, लेकिन आपकी धर्मपत्नी एक विधवा की जिंदगी गुजार रही है। है ना मजे की बात? भगवान के लिए मुझसे सब बातें न करो। अरे हुजूर, मैं तो अपनी वफादारी से मजबूर हूँ। मेरी रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी अगर मैं आपको ये ना बता दूं कि आपका बेटा बबलू लखनऊ की सेंट्रल जेल तोड़कर भाग आया है। बबलू? मेरा बेटा जेल गया था? कई बार जा चुका है, वो तो बाकायदा मुजरिम है, लेकिन आजकल वो आपके घर में बड़े आराम से रहता है। इतनी मेहरबानी मैंने उस पर कर दी है। शुक्र है भगवान का, आखिर दोनों भाई मिल गए। माफ कीजिएगा सेठ जी, मेरा प्लान इतना कमजोर नहीं था। रवि को आपकी जायदाद का वारिस बनाने के लिए आपका मरना जरूरी था। रवि और बबलू दोनों हमशक्ल हैं, लिहाजा रवि की जगह बबलू को लाने के लिए रवि का मरना जरूरी था। तो क्या तुमने रवि को? मुझे गलत न समझिए सेठ जी, मैंने अर्ज किया ना कि मैं कोई कातिल नहीं हूँ। शिमला में कार का एक एक्सीडेंट करवा दिया था, उसके बाद बेचारा रवि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बबलू उसका काम बहुत अच्छी तरह संभाल रहा है जी। और बैंक में उसी के दस्तखत चलते हैं। ये देखिए 1 लाख रुपया उसी सिलसिले की एक छोटी सी कड़ी है। विशाल सरकार, जिस बेईमानी का लेबल लगाकर आपने मुझे अपनी कंपनी से निकाला था, आज उसी ईमानदार कंपनी के लेबल पर मेरा लाखों का माल स्मगल हो रहा है। कमीने नमक हराम। दुआ दीजिए सूद साहब, मैंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। जिस घर से बबलू को उठाकर ले गया था, उसी घर में उसे वापस पहुंचा दिया। ये एहसान क्या कुछ कम है? अब उसी घर में बबलू ऐश कर रहा है, अपना माल लूट रहा है और मेरा घर भर रहा है। जीत की खुशी मना रहे हो, और वो भी कोक के साथ। जैसा देश वैसा भेष, शरीफों की बस्ती में आ गया हो ना, हर काम संभल के करना पड़ेगा। हाँ, इस घर की दरो दीवार का तो डर नहीं, लेकिन यहाँ एक कुत्ता है जो अपने असली मालिक का वफादार है। उसे एक टुकड़ा डाल देना। एक वफादार नौकर भी है, उसे भी एक टुकड़ा डाल देना। चलो छुट्टी हुई, आओ किसी क्लब में चल के सेलिब्रेट करें, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं पामी, आज मूड नहीं है। क्यों? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मूड आ जाएगा। मामी, हर चीज का वक्त होता है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ, क्या मैं अच्छी नहीं लगती? हाँ अच्छी लगती हो। क्या मैं सुंदर नहीं लगती? हाँ हाँ सुंदर भी लगती हो, लेकिन अच्छी भी लगती हो, सुंदर भी लगती हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, सुंदर भी लगती हूँ, फिर भी है क्यों दूर हूँ। आजा रे आजा सनम, ओ आजा रे आजा सनम, अच्छी अच्छी भी लगती हूँ, सुंदर भी लगती हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, सुंदर भी लगती हूँ, फिर भी है क्यों दूर हम। आजा रे आजा सनम, हो आजा रे आजा सनम। कैसी सुहानी रात है, प्यार का जादू है जवां। कैसी सुहानी रात है, प्यार का जादू है जवां। प्यार में जीने दो घड़ी है समा भी मेहरबान। अच्छी भी लगती हूँ, सुंदर भी लगती हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, सुंदर भी लगती हूँ, फिर भी है क्यों दूर हम। आजा रे आजा सनम, हो आजा रे आजा सनम। काँप रहा है नाजुक बदन, झूम रही है प्यासी नजर। काँप रहा है नाजुक बदन, झूम रही है प्यासी नजर। होश कुछ ऐसे उड़े हैं, अपनी मुझको नहीं खबर। अच्छी भी लगती हूँ, सुंदर भी लगती हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, सुंदर भी लगती हूँ, फिर भी है क्यों दूर हम। आजा रे आजा सनम, हो आजा रे आजा सनम। आजा रे आजा सनम, हो आजा रे आजा सनम। सदाशिव, सदाशिव, हेलो पमी, क्या हुआ? मेरी हालत देख के हैरान हो रही हो ना? भाई बात यह है कि शिमला में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मरते मरते बचा मैं, 7 दिन तक बेहोश था। जब होश आया बॉम्बे फोन करने की कोशिश की तो टेलीफोन लाइन्स ही खराब थी। बॉम्बे आना चाहता था लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तुम सब लोग तो बहुत परेशान होंगे, लेकिन माँ जी को इस बात की खबर तो नहीं की। और रमा, रमा भी बहुत परेशान होगी, उसका फोन तो जरूर आया होगा। और अपना जैकी कैसा है? जैकी, जैकी, और ये सदाशिव, अरे सदाशिव तुम्हारा तो नक्शा ही बदल गया है। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? चुप क्यों हो? मुझे देख के तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे एक नई जिंदगी मिली है। और क्या बात है पम्मी, कौन आया है? कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? रवि इस घर का मालिक। क्या बकवास कर रहे हो? मैं रवि हूं इस घर का मालिक। सदाशिव इस लुच्चे लफंगे को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। सदाशिव तुमने सुना ये क्या कह रहा है? इसे बता दो कि तुम्हारा मालिक कौन है। मेरे मालिक को लुच्चा लफंगा कहता है? बदमाश! क्या हो गया तुम्हें सदाशिव? अपने मालिक पे हाथ उठाते हो। पमी, पमी इंपोस्टर है, ढोंगी है, मेरे हमशक्ल होने का फायदा उठा रहा है। ये तुम सबको धोखा दे रहा है। मैं भी पुलिस को फोन करता हूं। तुम पुलिस को फोन नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। गुड बॉय जैकी, गुड बॉय। छोड़ना मत। यस आप कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, अंसारी जी साहब। वो मुजरिम जॉनी का फाइल लिया, वही जो सेंट्रल जेल से भाग गया था। जल्दी क्विक। हेलो, यस सर। सर अभी भी किसी ने फोन पे मुजरिम जॉनी के बारे में खबर दी कि नाम नहीं बताया। जी हाँ, वही जो सेंट्रल जेल से भागा था। खबर देने वाले ने यह बताया कि जॉनी हमारे एरिया के आसपास में देखा गया है। जी मैं उसी के पेपर्स देख रहा हूं। फोटो भी है और फुल रिपोर्ट भी। ओके सर। जोसेफ, ये फोटो शहर के तमाम न्यूज़पेपर में छपा दो। ये कमिश्नर साहब का ऑर्डर है। और इस फोटो के पोस्टर शहर के तमाम कोनों में लगा दो। पब्लिक को आगाह कर दो कि जो कोई भी शख्स इस मुजरिम के बारे में पुलिस की मदद करेगा उसे बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। ओके। बच कैसे गया हैरत है, और उस पर जानी ने पुलिस को खबर करने की नादानी की। रवि को जिंदा देखकर तो हम लोग चकरा गए थे। डैडी इसमें परेशान होने की क्या बात है? जॉनी जानता है कि रवि की शक्ल जॉनी से मिलती है और पुलिस जॉनी को देखते ही गिरफ्तार कर लेगी। मगर जानी ये नहीं जानता कि पुलिस वालों के साथ उसके ताल्लुकात कितने गहरे हैं, और आईजी सिंह तो जैसे उसके फैमिली मेंबर हैं। गुल्लू, किसी तरह भी रवि को पुलिस वालों के हाथों से बचाना। अगर वो पुलिस तक पहुंच गया तो उसकी जबान खुलेगी और हम सब बंद होंगे। ये आप लोग मुझे कहां ले आए? मैंने तो कहा था कि मुझे आईजी साहब से मिलना है। जहां तुम्हें जाना चाहिए था वहीं लेके आए हैं। फादर, फादर, मेरी मदद कीजिए। कुछ लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। Don't worry, my son. अंदर छुप जाओ। Thank you, father. हेलो रवि, आ जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। तुम्हारी और मेरी हाइट एक ही है ना, इसलिए जरा नाप रहा था। आजा। तुम तो वही हो जिसने मुझे शिमला में लिफ्ट दी थी। ओह, तो ये सब तुम्हारा प्लान है। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? तुम्हारी मौत, और क्या। यार तुम बड़े सख्तजान हो। पहले ट्रेन में बच गए, फिर शिमला में बच गए, लेकिन अब इससे बचना नामुमकिन होगा। चुपचाप चले आओ। आ जाओ। रोजी, पहले इसे तो दफन कर लें, फिर दूसरा ढूंढना। रवि, रवि, मेरे बेटे, मेरे लाल। हेलो माँ जी, कैसी हो? यात्रा कैसी रही? किसी बात की तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं। क्या हुआ? माँ। हाँ बेटे। तुम्हें दुख हुआ ना कि मैंने तुम्हारे पाँव नहीं छुए? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, कल से मेरी कमर में दर्द है, जरा भी झुका नहीं जाता। अरे क्या हुआ बेटे, कैसे दर्द हुआ? डॉक्टर को दिखाया था ना बेटे? हाँ माँ, बताया, वो इंजेक्शन भी लिया, लेकिन जालिम दर्द है कि जाता ही नहीं। बेटे चल वहां बैठ, चल बैठ। हाँ, संभल के बेटे बैठ। प्रतिभा बेटे, ये विभूति है, शिव जी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल तक तू भागने दौड़ने लग जाएगा बेटे। रवि का अब तक कुछ पता नहीं चला, मामला हाथ से निकला जा रहा है। जानी, रवि की जायदाद को फौरन कैश कर लेना चाहिए, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। ये लीजिए मिस्टर रवि, आपको 50 लाख का चेक। ये लीजिए, आपके एग्रीमेंट मैंने साइन कर दिया, देख लीजिए। लाइए पंडित जी, चाबियां दीजिए, चाबियां दीजिए, सोच कह रहे हैं। लीजिए, हाथ से मिलाप किए। मालिक, हम लोगों का क्या होगा? तुम्हें क्या चिंता है? मिल की चिंता मजदूर को नहीं होगी तो और किसको होगी? मिल तो मजदूर की मां होती है मालिक। पंडित जी, मैं रवि के कारोबार में कैसे दखल दूं? वो खुद मालिक है, समझदार है, उसने जो कुछ किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। क्या बात है माँ? रवि, तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हो? पंडित जी, आपने माँ को यह तो बता दिया कि मैं प्रॉपर्टीज बेच रहा हूँ, लेकिन यह नहीं बताया कि क्यों। माँ, बात यह है कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे बिजनेस हाउसेस को नेशनलाइज कर रही है, और जानती हो कीमत क्या दे रहे हैं? रुपए के 4 आने। और मैंने सौदा किया है रुपए का 1.25 रुपया। अब बताओ, ठीक है या गलत? देखा पंडित जी, मैंने कहती थी मेरा बेटा कितना होनहार है, अच्छे बाप का बहुत ही अच्छा बेटा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। रमा प्लीज, पहले तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। मैं एक बहुत बड़े हादसे से गुजरा हूँ। मैंने कह दिया ना, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। रमा प्लीज मेरी बात सुनो। रमा, ये बहुत बड़ा जाल है जिसमें तुम, मैं, हम सब फंस चुके हैं। रमा सुनो, शिमला में मिलने से पहले हमारी आखिरी बात फोन पे हुई थी, राइट? हाँ, और मेरे साथ शो में न आने का बहाना तुमने ये बताया था कि तुम्हारी मीटिंग है, जबकि तुम गुलछरे उड़ा रहे थे होटल सन एंड सैंस में एक नंगी लड़की के साथ। होटल सन एंड सैंस में नंगी लड़की के साथ? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मुझे पम्मी ने बताया था कि वहां तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो। पम्मी ने बताया था? तो वो भी इनके साथ मिल चुकी है। अब बात मेरी समझ में आ रही है। रमा, तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए जानबूझकर वहां भेजा गया था, ताकि मेरे हमशक्ल को देखकर तुम्हें गलतफहमी हो, तुम मुझसे नफरत करने लगो और मुझसे दूर हो जाओ। तुम्हारा हमशक्ल? हाँ बिल्कुल, मेरे जैसा, यही सूरत, यही आवाज। आज वो मेरे ही घर का मालिक बन बैठा है और मैं इधर उधर मारा मारा फिर रहा हूँ। कैसे यकीन कर लूं? मेरे घर पे फोन करो, तुम्हें उसकी सूरत तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन मेरी ही आवाज सुनाई देगी। हेलो। हेलो। जी हाँ, मैं रवि की माँ बोल रही हूँ। देखिए, मैं रवि साहब से बात करना चाहती हूँ। अच्छा। रवि बेटे, तुम्हारा फोन है। हेलो, मैं रवि बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। ओ माय गॉड, रवि, हो रवि, ये तुम किस मुसीबत में फंस गए रवि। चलो, एक खटका तो दूर हुआ। तुम्हें तो मुझ पे यकीन आ गया? नहीं रवि, इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई ना कोई सबूत ढूंढना ही होगा। कहाँ से लाऊं सबूत? आईजी साहब कलकत्ते गए हैं और माँ तीर्थ यात्रा पर। माँ जी, वही तो थी फोन पर, वो आ गई है। क्या? हाँ। तो उसने माँ को भी धोखा दे दिया है? नहीं नहीं, माँ की नजर धोखा खा सकती है, लेकिन उसका दिल नहीं। अरे, ये दूध यहाँ क्यों ले आई? रवि को दे आना। उन्हीं को देने गई थी, मगर आज फिर लौटा दिया। वो कई दिनों से दूध नहीं पी रहे हैं। माँ जी, दे मुझे, दे। तुम्हारा आशिक। पागल हुए हो? उसने तो मुझे कब का छोड़ दिया। इसीलिए तो उसे ढूंढ रहे हैं, मिल गया तो तुमसे मिलवा देंगे। बच्चों, ढूंढो। मैडम को संभाल के ले चलो। हाँ, मैंने कहा संभाल के। handle with care. आओगे होती। पुलिस पुलिस, भागो भागो। सर ये फोटो है रवि सूद, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, ये तो मैं पर्सनली जानता हूं, लेकिन इनकी तस्वीर यहाँ कैसे? सर रमा की शादी इन्हीं से होने वाली थी, मगर ओह आई सी, इसका मतलब है मैं रमा से रवि की पार्टी मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था वो तुम्हारी बहन है। सर वो जो कंसाइनमेंट पकड़ा गया है उस पर इन्हीं की कंपनी के लेबल्स हैं। फरमाइए। इस कागज का तुम्हारी कंपनी से कोई ताल्लुक है? हाँ है, ये मेरी कंपनी के लेबल्स हैं। क्यों? स्मगलिंग का कुछ माल पकड़ा गया है जिस पर ये लेबल्स लगे हुए हैं। किसी ने शरारत की है और बहुत अच्छी शरारत। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। इंस्पेक्टर, मैं स्मगलिंग नहीं करता, और अगर तुम समझते हो कि ये लेबल इस बात का सबूत है तो देखो, कोई भी शख्स मेरे नाम का लेबल छपवाकर उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है ना? और कुछ? इसके अलावा भी एक बात है। बोलो। कल रात मेरी बहन को गायब कर दिया गया। तो क्या इसका भी ताल्लुक मुझसे है? हाँ, ये मुमकिन है कि तुम रमा को गायब करके मुझे इस बात पे मजबूर कर दो कि मैं तुम्हारे गैर कानूनी पर्म से पर्दा न हटाऊं। तुमने रमा को धोखा दिया है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ओह, आई सी। इंस्पेक्टर, तुम जज्बात में आकर अपनी बहन का बदला लेने के लिए मुझ पे कोई भी इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन याद रखो, कानून जज्बात को नहीं देखता, सबूत देखता है, वाकयात देखता है। और तुम्हारे सबूत बहुत ही लूले लंगड़े हैं। अपना और मेरा वक्त ज़ाया मत करो। भाभी, आज अचानक आना कैसे हुआ? कुछ पुरानी बातें याद दिलाने आई हूँ। कहो। आपको याद होगा, मेरे दो बच्चों में से एक बच्चे को विशाल उठा ले गया था। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इतनी डींगे मारने के बाद भी मैं आपका बच्चा वापस नहीं दिला सका। अब दिला दीजिए। लेकिन वो जिंदा है, मगर अपनी जिंदगी पर एक दाग लिए हुए, मुजरिम का दाग। मुजरिम? ये तस्वीर देखिए। आप तो जानते हैं, मेरे दोनों बेटे हमशक्ल थे। आज इस तस्वीर को देखकर एक माँ का दिल तड़पा है। हूबहू रवि की तस्वीर। जॉनी, जेल से भागा हुए खतरनाक मुजरिम, ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? जिसने उसे भगाया वो भी तो एक मुजरिम ही था। अपना बदला लेने के लिए विशाल ने एक माँ को परसों तड़पाया है। आप मेरा बेटा मुझे दिलवा दीजिए। वो मुजरिम ही सही, लेकिन उसके रगों में मेरा खून है। तुमने उस दिन कहा था कि तुम रवि में कुछ तब्दीलियां देख रही हो। मैं रवि की नहीं, बबलू की बात कर रही हूँ। और मैं बबलू की नहीं, जॉनी की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। भाभी, मैं कानून का मुहाफिज हूँ। हर चीज को शक की निगाह से देखना मेरा पेशा है। आपको रवि पर कोई शक है? मुझे सोचने दीजिए। रवि ने रमा को धोखा दिया, फिर रमा भी गायब हो गई। बात जरूर कुछ है। क्या बात हो सकती है? यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है। जिसे तुम रवि समझ रही हो, वो रवि ना हो, बबलू हो। ये क्या कह रहे हैं आप? रवि को मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। तब की बात नहीं कर रहा, अब की बात कर रहा हूं। हो सकता है उन दोनों के हमशक्ल होने का कोई फायदा उठा रहा हो। तुम एक काम करो, जिसे तुम रवि समझ रही हो उसे ऐसी बातें करो जो कि रवि के जिंदगी में कभी नहीं हुई। और दूसरा काम, उसकी उंगलियों के निशान किसी तरह हासिल करो। बात है माँ? बेटे, अच्छा हुआ तू आ गया। एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? तुम्हारी बहन के पति का एक्सीडेंट हो गया। क्या? बहुत सीरियस है वो बेटे। क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटे, अभी अभी जर्मनी से टेलीफोन कॉल आया था उनके पड़ोसियों का। बहन कैसी है? हाँ। माँ, मैंने पूछा बहन कैसी है? न जाने उस पर क्या बीती होगी। मैंने तो 5 साल से अपने बच्चे की सूरत भी नहीं देखी। अब क्या करें? बेटे, तेरे पास उसका पता होगा ना? पता? हाँ हाँ है तो। मुझे दे दे। अभी लाया। नहीं मिला है? हाँ माँ वो, अरे हाँ याद आया, वो एड्रेसेस मेरी डायरी में है और उसे मैं ऑफिस में भूल आया हूँ। याद से ले आना बेटे। अरे तुझे भी मेरी तरह पसीने छूट रहे हैं। हाँ माँ वो खबर ही ऐसी है ना। ले बेटे दूध ले। हाँ जा माँ तू आराम कर। हाँ फिंगरप्रिंट्स। तुम ये सबूत लाई थी जिसे तुम्हारी ममता ने जाया कर दिया। ये सबूत तो आपको फिर मिल जाएगा, लेकिन अब मुझे और किसी सबूत की जरूरत नहीं। तो तुम्हें यकीन हो गया कि वो रवि नहीं है? अफसोस भी हुआ। आखिर बबलू अपना ही घर क्यों उजाड़ना चाहता है? इसलिए कि उसे ये नहीं मालूम कि उसका अपना ही घर है, ना उसे ये मालूम है कि रवि उसका भाई है और तुम उसकी माँ हो। ये सब विशाल का मास्टर प्लान है। विशाल वाकई विशाल निकला। ये बहन का क्या चक्कर है? बहन? किसकी बहन? मेरी। तुम्हारी कोई बहन नहीं है? माँ कहती है। किसकी माँ? मेरी। अब मेरा मतलब रवि की। क्या कहती है वो बुढ़िया? उसे फोन पे खबर मिली है कि रवि की बहन का जर्मनी में एक्सीडेंट हो गया। तुमने मुझे बहन के बारे में बताया क्यों नहीं? रवि की कोई बहन नहीं है। तो क्या माँ झूठ बोल रही? वो मुझसे बहन का पता मांग रही। कौन सा पता तुमसे? कहां से लाऊं पता? मगर मैं उस खानदान को बरसों से जानता हूं। उस घर में कभी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई। लेकिन तुम्हें भी तो ये शहर छोड़े बरसों हो गए, क्या पता तुम्हारे पीछे। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या मतलब परेशान क्यों हो? मैं उस घर में पते के बगैर जा नहीं सकता। एक तरफ रवि गायब है, दूसरी तरफ बात क्या है? चिड़िया उड़ गई। कैसे? चिड़े के साथ। ब्लडी लव बर्ड्स। न जाने ये रवि कहां से टपक पड़ा। इस वक्त वो एक जंगल में छुपा है और उसे ढूंढना अकेले आदमी का काम नहीं। डैम इट! हर बार वो तुम लोगों को मात दे चुका है। तुम लोग एक आदमी को पकड़ नहीं सकते। अब मुझे रवि को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े जंगल में तुम उसे ढूंढोगे कैसे? रवि का कुत्ता लेकर। कुत्ता अपने मालिक को जरूर ढूंढ निकालेगा। सुनिए। कहिए। क्या आप इस कबीले के सरदार हैं? जी हाँ। क्या बात है? देखिए कुछ बदमाश हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रहे हैं। जब तक हम पुलिस तक नहीं पहुंच जाते, रात भर के लिए आप पनाह दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। निकालना। मैंने क्या किया ना, मेरी कोई बेटी नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी बहुत चालाक है। उसने जानी जैसे शातिर को भी बेवकूफ बना दिया। कौन जानी है? तुम्हारा बेटा बबलू। और लगता है तुम्हारी बीवी को उस पर काफी शुबा हो गया है। और ऐसी सूरत में उस औरत का जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली। कमीने उसे मारने से पहले मुझे मार डाल। सूद साहब, ये नेक काम तो मुझे करना ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले आपका बेटा बबलू रवि का खात्मा कर दे। क्या? जी हाँ, जब एक भाई दूसरे भाई का खून करेगा तो किस कदर दिलचस्प ड्रामा बनेगा। हम क्या कहती है तुझसे पवन पुरवाई। धोखेबाज को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट जा। नहीं, तुम अपने भाई को नहीं मार सकते। भाई? हाँ रवि, ये तुम्हारा जुआ भाई बबलू है, जिसे बचपन में विशाल उठा कर ले गया था। विशाल? बबलू, मैं कितनी रोई हूँ तेरे लिए, कितनी तड़पी हूँ। ये सब विशाल की चाल थी। उस कमीने ने तुम्हारे पिता से बदला लेने के लिए तुझे हमसे छीन लिया और आज तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया। अब तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता बेटे, कोई नहीं छीन सकता। भाई साहब, कुछ लोग बंदूक के लिए इस तरफ आ रहे हैं। जरूर विशाल के आदमी होंगे। आप लोग कहीं छुप जाइए। रवि, तुम मेरे साथ आओ। माँ जी, चलिए कहीं छुप जाए। रवि सुनो, कहीं छुपे होंगे। चल चलो। गुड डे मिस्टर रवि। It is going to be the last day. बड़े सख्त जान, हमेशा हमारे हाथ से बचते रहे हो। आपकी तारीफ। इस खाकसार को विशाल कहते हैं। तो वो विशाल जिसने तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए तुम्हारे हमशक्ल भाई बबलू का अगवा किया और उसे जानी का नाम देकर एक मुजरिम बना दिया। और एक ऐसा जबरदस्त मुजरिम बनाया कि हिंदुस्तान की तमाम जेलों के रजिस्टर उसके नाम की दुहाई देने लगे। एग्जैक्टली। वाह, क्या मास्टर प्लान बनाया। जॉनी को रवि की जगह भेज दिया और वो बेचारा अपने घर लूट कर तुम्हारी तिजोरियां भरता रहा। राइट। मानते हो बरखुदार, विशाल का दिमाग कितना विशाल है। अब इस ड्रामे का आखिरी सीन देखना, मजा आ जाएगा। तुम्हारी तलाश में गया हुआ जानी थोड़ी देर में वापस आएगा और वो तुम्हें गोली मार देगा और ये खाकसार जानी को गोली मार देगा। राइट। विशाल, मैंने जलील से जलील आदमी देखे हैं, लेकिन तुम जैसा जलील और गिरावा आदमी कभी नहीं देखा। बस अफसोस इस बात का है कि मरते वक्त मेरे हाथ खाली हैं और मैं हमेशा की तरह तुम्हें कोई नजराना पेश नहीं कर सका। अंकल। जानी? हाँ जानी। कुदरत की मार देखी विशाल, जिन दो शक्लों का खेल खेल कर तुम सारी दुनिया को धोखा देते रहे, आज उन्हीं शक्लों की वजह से खुद ही धोखा खा गए ना। इससे क्या फर्क पड़ता है, पहले रवि मरने वाला था और फिर जानी। अब जानी पहले मरेगा और फिर रवि। एक नमक हराम की गोली में इतना दम नहीं कि जॉनी का सीना चाक कर सके। बाहर नहीं जा सकती। मैं कहती हूँ जाने दो मुझे, छोड़ दो। क्या तुम भी उससे मिल गई? हाँ, माना कि इस साजिश में मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ, लेकिन तुम्हें खरे भरे घर को उजाड़ नहीं सकते। दो सगे भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा नहीं बना सकते। हट जा मेरे साथ। अम्मी, 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 जॉनी, अम्मी, तुम अम्मी मुझे माफ कर देना। चलिए पमी विशाल सेठ, एक नजर यहां भी डालो। तो तुम्हारे बाप को गोली मार दूंगा। लाओ उस बुड्ढे को। स्वामी, स्वामी, पिताजी आप जिंदा है? जिंदा? अरे इस जिंदगी से तो मौत अच्छी थी। मैं तुम लोगों के लिए कितना तड़पा हूं, कितने आंसू बहाए, लेकिन उस चांडाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पिताजी, आपके दोनों बेटे मिलकर इस बेईमान से एक एक जुल्म का बदला लेंगे। आपके हर आंसू का हिसाब इस भेड़िया को अपने खून से चुकाना पड़ेगा। तुम में से कोई जिंदा बचेगा तब ना। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। तुम्हारी सारी जायदाद सोने की शक्ल में तब्दील कर ली है। आज मेरा इंतकाम पूरा होगा। मैंने इस इमारत में टाइम बॉम्ब लगा दिया है। तुम्हारी मौत और जिंदगी में सिर्फ 5 मिनट का फासला है। जब ये बम फटेगा तो तुम्हारा सारा खानदान इन पत्थर की चट्टानों में दबकर खत्म हो जाएगा। अच्छा सूद साहब, कहा सुना माफ कीजिएगा, बाय बाय। और कोई रास्ता नहीं निकलेगा? नहीं है। जैकी, हाँ? जैकी आ गया। जैकी, कम जैकी, कम जैकी, जैकी, शाबाश बेटे, निकला वहां से, निकला। बड़े वक्त पे आया जैकी। देखो बॉक्स है ना, उसकी जो वायर है उसे काट दे, काट दे। हाँ हाँ वही वायर, काट दे उसे। शाबाश जैकी, शाबाश। और जोर से, और जोर से जैकी, काट दे बाहर को। शाबाश। नहीं जैकी, छोड़ मत उसे। नहीं जैकी, फिर से कोशिश कर जैकी, फिर से कोशिश कर जैकी। नहीं जैकी, नहीं जैकी, उस बॉक्स को छोड़ दे जैकी। जैकी बॉक्स को छोड़ दे, मेरी मान, बॉक्स को छोड़ दे जैकी। तू जानता नहीं उसमें क्या है, छोड़ दे उसे जैकी। जैकी क्या कर रहा है तू? देख उसमें टाइम बॉम्ब है, वो फट जाएगा। जैकी छोड़ दो उसे जैकी। नहीं होता तो छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे जैकी। भाग जा जैकी, भाग जा जैकी। क्या कर रहा तू? छोड़ दो उसे जैकी, छोड़ दो उसे, भाग जा। सारी दीवारें हिल रही हैं। रवि, जैकी, जैकी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसे हमारे वफादार साथियों में बांट देना और किसी को इस बात की खबर ना हो कि हम लोग यहां से चले गए। चलो रवि, देखो दीवार में सुराख बन गया है। हो गया रवि, कम ऑन, हेल्प, इसे तोड़ सकते हैं हम। कम ऑन, कम ऑन रवि, कम ऑन रवि। मां, पिताजी, आओ जल्दी जल्दी करो। आओ पिताजी, आहिस्ता आहिस्ता, चलो बाहर की तरफ चलो जल्दी। कम ऑन रवि, वापस ले जाओ। ये लो, थैंक यू। विशाल का है, बोल नहीं तो खोपड़ी खोल दूंगा। बोलो बदमाश का है। पालगढ़ के प्राइवेट एयरपोर्ट पर और कौन कौन उनके साथ साथ बेटे हैं और सारा माल साथ ले गए। हाजी साहब, मैं रवि बोल रहा हूं। हाँ आईजी साहब, विशाल पालगढ़ के प्राइवेट एयरपोर्ट पे गया है। हम दोनों उसका पीछा कर रहे हैं, आप ही वहां पहुंच जाइए। में रख दो और अगर कोई बैरियर क्रॉस करने की कोशिश करे तो उसे गोली से उड़ा दो। जो हुक्म सर। कम ऑन, हरी अप, कम ऑन। जल्दी करो, फटाफट सामान निकालो। ओ हरी अप, क्विक, हरी अप। भगवान ये मैंने क्या किया? अपने ही हाथों अपनी बेटी की जान ले ली। हैंड्स अप, हथकड़ी लगा दो इसको। ये बताइए इन दोनों बेटों में रवि कौन है और जॉनी कौन है? आईजी साहब, जॉनी मैं हूं। नहीं आईजी साहब, जॉनी मैं हूं। हम एक दूसरे की जगह तो बदल सकते हैं, लेकिन किस्मत की लकीरें नहीं। आईजी साहब, तू मुझे छोड़कर जेल जा रहा है बबलू। माँ, जो जेल जा रहा है वो जॉनी है, जो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करके वापस आएगा वो तेरा बबलू होगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ।